घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन के बारे में समझेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस कल हमें बाइंग करना चाहिए, निफ्टी कहां पे ट्रेड करेगा तो कौन सा ऑप्शन हमें यहां पे लेना है। अब चलिए देखिए निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 15582 के आसपास की, और आज का हमने हाई लगाया है वो लगाया है 15604 का हमने हाई लगाया है निफ्टी का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैग पैटर्न जो चल रहा है, इस चैनल का जो हमारा टारगेट है वो 16000 के ऊपर का टारगेट यहाँ पे रहेगा। ऑलरेडी यहाँ पे 500-600 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, तो धीरे धीरे जो 16000-16100 का टारगेट है वो टारगेट भी निफ्टी यहाँ पे अचीव करते हुए कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। तो आज की चलिए हम 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी। निफ्टी में रिलायंस दरअसल काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है पिछले दो दिनों से, आज भी उसने 3-3.5% का मूवमेंट किया और लास्ट डे भी उसने 5-5.5% का मूवमेंट किया था। बहुत दिनों से रिलायंस खड़ा हुआ था, अब रिलायंस ने चलना स्टार्ट किया तो निफ्टी को वो अकेला खींच के लेके यहाँ से जा रहा है। तो नज़र बना के रखनी है निफ्टी में जो सपोर्ट मिलेगा कल के सेशन में, जो सपोर्ट हमारे पास में है वो है यहाँ पे 15520 से लेकर के 15540 के बीच में। ये ध्यान रखिएगा ये पूरा जो जोन है ये सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी के लिए। यहाँ पे जब निफ्टी आते हुए आपको दिखेगा और यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बायर आपको बहुत फास्ट एक्टिव होते हुए दिखेंगे। ये कब यहाँ पे वीकनेस तब आएगी, जब ये 15000 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन कर लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 15000 तक आपको यहाँ पे सेल नहीं करना, आसानी से वेट करना है कि बाई ऑन डिप कहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखता है वहीं पे आपको इसको बाइंग करना है। मान लीजिए अगर कल ये नीचे की तरफ आता है और 15020 से 15040 के बीच में सपोर्ट लेता है, या हो सकते 15000 से लेकर के 15040 के बीच में सपोर्ट ले, मतलब कहीं भी रेंज बना के एक सपोर्ट लेता हुआ दिखे और उस रेंज को ब्रेक करता हुआ दिखे तो आप यहाँ पर ले लेना 15600 की कॉल, ठीक है। 15600 की कॉल में इंटरेस्टेड हूँ मैं, पुट में इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो 15600 की कॉल में इंटरेस्टेड मैं कब रहूँगा, जब ये यहाँ पे नीचे की साइड में आता है, यहाँ पे रेंज बनाता है 15500 से लेकर, हो सकता है 15550 के बीच में बनाए, 15520 से लेकर के 15550 के बीच में बनाए, जो भी 30-40 पॉइंट की जो भी एक रेंज बनेगी उस रेंज को जब हायर रेट पे ब्रेक करेगा तब यहाँ पे मैं 15600 की कॉल ले लूँगा। उस जब मैं कॉल लूँगा तो उसका जो SL होगा वो इस रेंज का लो होगा, जो भी ये रेंज बनाएगा उस रेंज का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वही मेरा इंडेक्स का SL होगा। जब इंडेक्स में मेरा वो लोवेस्ट पॉइंट कट जाएगा तो मेरा ऑप्शन में जो भी प्राइस चलता रहेगा वहाँ से मैं एग्जिट कर लूँगा। अब मान लीजिए कि निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस रेंज को हायर एंड पे ब्रेक कर रहा है, जब इसने ब्रेक किया तो उस समय जो 15600 की कॉल का प्राइस था वो था 80 रुपए, तो मैं यहां पे 80 रुपए पे मैंने बाइंग कर लिया। मैंने क्या देखा, जब इस रेंज को ब्रेक किया, मान लीजिए इस रेंज का हाई होगा शायद उस समय ट्रेड कर रहा होगा 15560 ट्रेड कर रहा हो, तो जब ये 15560 को लिया तो उस समय प्रीमियम कितना चल रहा था, 600 वाला 80 चल रहा था, तो मैंने 80 पे बाइंग कर लिया। उस समय जो मेरा SL बन गया जो लोअर एंड है, मान लीजिए लोअर एंड यहाँ पे 40 है यानी 15540 है, तो जब भी ये 15540 के पास में आएगा जो भी प्राइस ऑप्शन का चलता रहेगा मैं वहाँ से यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले लूँगा, जो भी लॉस होगा उस लॉस को मैं बुक कर लूँगा। अगर ये लोअर एंड को वापस आके ब्रेक करने की तैयारी करता है तब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा ऑप्शन को हम कब बाइंग करेंगे, जब हम बाई ऑन डिप मिलता है और यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है तब बाइंग करेंगे। पहली कंडीशन ये है ऑप्शन को बाइंग करने की। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट अगर मान लीजिए सुबह ओपन होता है इसी रेंज में ओपन हो 15560-70 से लेकर के 15610 के बीच में ओपन हो, और जैसे ही ये 15610 को क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे कॉल ले लूँगा 15650 वाली, ठीक है। जब ये 15610 को क्रॉस करेगा तो मैं 15650 वाली यहाँ पे कॉल ले लूँगा, SL मेरा आज का क्लोजिंग रहेगा। यानी आज की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड करेगा तो ऑप्शन में मेरा जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी 610 के ऊपर ऑप्शन का जो भी प्राइस चल रहा होगा 15650 वाली का मैं बाइंग कर लूँगा, और जब इंडेक्स वापस 15580 के पास ट्रेड करने लगेगा, इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो ऑप्शन का जो भी प्राइस चल जाएगा मैं वहाँ से एग्जिट कर लूँगा, मैं वहाँ से अपना SL ले लूँगा। 15610 के बाद जो हमारा टारगेट होगा निफ्टी का वो होगा 15640, 15670 और 15700। ये मेरे टारगेट तीन यहाँ पर निफ्टी के रहेंगे, पहला 640 का, दूसरा 670 का और तीसरा 700 का मेरा। तो ये तीन टारगेट रहेंगे मेरे निफ्टी के। तो अगर आप निफ्टी बाइंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने जो चीज़ें बताई उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कल से मैं क्या करूँगा, ऑप्शन के चार्ट भी साथ में एनालिसिस करूँगा, यानी निफ्टी के साथ में निफ्टी ऑप्शन के चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कहाँ पे हमें लेना है और कहाँ पे हमें निकल जाना है। लेकिन उसके लिए इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि क्या आपको ऑप्शन का चार्ट या ऑप्शन वाली एनालिसिस भी देखनी है, तो वहाँ पर मैं एनालिसिस करके हर वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का साथ में, अभी बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन दोनों के बारे में आप लोग को बताऊँगा। चीजों को समझिए, देखिए, सीखिए पहले,
देखिए जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, बस आपको वेट करना है अपनी अपॉर्चुनिटी का। अब चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करेंगे। उसके पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद में लॉगिंग आईडी दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिससे हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो आज का हमारा पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट, अभी भी रेंज के अंदर में फंसा हुआ है, तो अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे। एशियन पेंट धीरे धीरे ऊपर की साइड में निकल चुका है, तो एशियन पेंट में जिसके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस 2900 का जरूर लगा के रखिएगा। बजाज ऑटो में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बजाज फिनसर ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, बजाज फाइनेंस यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। अगर किसी ने यहाँ पे इसको बाइंग किया है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग किया है, तो उसका एसएल यहाँ पे 5500 का लगा के रखना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल कंसोलिडेट के बाद आज ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे कल के सेशन में आप बाइंग कर सकते हैं, और जिन्होंने पोजीशन बनाई है स्टॉप लॉस जरूर 510 से 520 के बीच में यहाँ पे लगा लीजिएगा। बीपीसीएल कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रिटानिया भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो वेट कीजिए। सिप्ला में अभी कुछ नहीं करना है, कोल इंडिया यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, वेट करते हैं। डिवीज लाइव रेंज को ब्रेक करके क्लोज किया आज इसने, तो ध्यान रखिएगा 4200 के ऊपर की क्लोजिंग इसे और फास्ट ऊपर की साइड में लेके जाएगी। डॉक्टर रेड्डी 5400 की क्लोजिंग का इंतजार कीजिए। आइसर मोटर देखिए यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की तैयारी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था 2400 के ऊपर वो ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट 2600 वो अचीव हो गया। अब अगर इसी रेंज में किसी के पास अगर पोजीशन है तो बना के रखिए, 2600 का आप एसएल रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर 2705 के ऊपर क्लोज करता है तो इसके टारगेट 2835 के रहेंगे। ग्रासिम यहाँ पर भी ब्रेकआउट की एक तैयारी हो रही है, ध्यान रखिएगा 1500 के ऊपर क्लोज करेगा तब इसे लेके जाइए 1450 का एसएल लगा के। एसएल टेक्नोलॉजी वेट कीजिए। एचडीएफसी देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा, लेकिन मैंने पहले बताया कि इसका मेन जो फोकस बनेगा या बायर फुल मूड में कब आएंगे, जब ये 2620 के ऊपर क्लोज करेगा, तो इंतजार कीजिए। जब ये 2620 के ऊपर क्लोज करे इसे लेके जाइएगा 2900 के टारगेट के लिए। एचडीएफसी लाइफ कंसोलिडेट कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। हीरो मोटो का आप ऑलरेडी मैंने रिकमेंड किया हुआ है आप लोग को, हिंडालको में वेट कीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए सबसे बेस्ट सिनेरियो, अगर कोई छोटा सा ऐसे ले सकता है तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाइंग कर लीजिए। इसी जगह पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा यहाँ पे 2290 का, 50 रुपये का एसएल मिलेगा और टारगेट आपको यहाँ पे 2450 से 2500 के टारगेट मिलेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, तो इंतजार कीजिए। मेरे ख्याल से इसी लेवल पे बाइंग कर लीजिए 40 रुपये का एसएल लगा के। यहाँ पे इन्फी ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, आईओसी बने रहिए जिसके पास पोजीशन है। आईटीसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करा, जैसे कि मैंने बोला कि 223-224 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर किसी को बाइंग करना है तो 223 के ऊपर निकले तब बाइंग कीजिए। जेएसडब्ल्यू स्टील एसएल लगाइए 670 का, अगर किसी के पास पोजीशन बनी हुई है। एलएनटी ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के ऊपर रिकमेंड किया हुआ, तो चलने दीजिए एलएनटी को। मारुति भी ट्रेंड लाइन के ऊपर, महिंद्रा भी ट्रेंड लाइन के ऊपर, मारुति भी 6800 के आसपास इसको रिकमेंड किया है 7200 के टारगेट के, 7400 के टारगेट के लिए, तो यहाँ पर भी बने रहिए। ऑलरेडी इसको 6700-6800 पे मैंने रिकमेंड किया था। नेस्ले अभी कुछ नहीं करना है, एनटीपीसी कुछ नहीं, ओएनजीसी में भी कुछ नहीं, पावर ग्रिड छोड़ दीजिए। रिलायंस देखिए जबरदस्त मूवमेंट, मैंने एक चीज़ बताई थी रिलायंस में कि अगर ये 2050 के ऊपर क्लोज करता है तब हमारा टारगेट इस पे 2100 का रहेगा 2050 के बाद में। छोटे छोटे टारगेट मैंने इस पे दिए थे, ऑलरेडी 2 दिन में बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे हो चुकी है। एसबीआई लाइफ सपोर्ट जो है वो 950 के आसपास, थ्री सीमेंट कुछ नहीं करना है, सन फार्मा कुछ नहीं करना है, अभी वेट कीजिए। टाटा मोटर जिसके पास है पोजीशन एसएल 300 का फॉलो कीजिए, टाटा स्टील वेट कीजिए। TCS में भी कुछ खास नहीं है। टेक महिंद्रा 1000 के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए बोला, यहाँ पे बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर 1000 का लगा लीजिए। टाइटन 1600 के ऊपर क्लोज करेगा तब हम देखेंगे, अब ये 1600 के पास पहुँच के कंसोलिडेट कर रहा है, तो 1600 के ऊपर की क्लोजिंग अगर ये करता है तब इसे लेके जाइएगा 1550 का एसएल लगा लीजिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट कुछ नहीं करना है, यूपीएल ऑलरेडी जिसके पास है वो बने रहिए, नई पोजीशन नहीं बोलूँगा, विप्रो में भी नई पोजीशन नहीं बनानी है। और टाटा कंज्यूमर ये स्टॉक थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसको आप बाइंग कर सकते हैं कल के सेशन में। अगर कल के सेशन में ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करे तो इसको लेके जाइए 680, यानी छोटा सा टारगेट पहला 680 का रहेगा, अगर 680 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर 720 का रहेगा। इस कंडीशन में एसएल आपको 640 का फॉलो करना पड़ेगा टाटा कंज्यूमर में। तो एक ट्रायंगल पैटर्न का छोटा सा यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उसको देखते रहेंगे, अगर ऊपर निकलता है तो लेके इसे जा सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।